आइए ना फोटो दीजिए फोटो इधर 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 आइए ना ये हमारे मेरे लक्ष्मेंद्र खुराना भाई हैं नंबर मैं सब नंबर मैं हेमंत रंगीस हो के आदिल आदिल आए नहीं अभी तक हाँ आए नहीं अभी तक अरे आदिल आए नहीं अरे बात नहीं हुई उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा अभी आपने बोला सब अच्छा हो गया अभी आए नहीं वो आप ही नाचते रहते उनके साथ आपको मालूम होना चाहिए ना आएंगे वो हमेशा से आपका साथ दिया हमेशा देते रहेंगे आएंगे रास्ते में आ रहे रास्ते में सॉरी स्लिप ऑफ टंग क्यों चला था हमें तो बाइक डाल दिया हम लोग की वीडियो नहीं कर रहे सॉरी साइका मम्मी कहाँ है मम्मा कहाँ है मम्मी कहाँ है से मम्मा मम्मी 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 साइका माँ बहुत मिस करती थी साइका को हॉस्पिटल में थे तभी भी मेरा जिमू मेरा साइका मेरा जिमू इसको बहुत शौक लगा जब मम्मी को देखा ना यहाँ पे लाए थे ना मम्मी का बहुत शौक लगा था साइका साइका मम्मी को बहुत मिस करता है बहुत मिस करता है मम्मी के बेड पे सोता है मम्मी के बेड पे सोता है वहीं बैठता है वहीं बैठता है इंतजार कर रहा है मम्मी का साइका मम्मी देखो है यहाँ पे ही है मैंने ऐसा कभी जब मैं ऊपर जाती हूँ ना साइका जो है मम्मी की बेड पे उधर ही बैठता जहाँ मम्मी बैठती है मम्मी का ऐसा वेट करता है और चिल्लाता है अकेले बेड पे जैसे मम्मी उसके साथ बात कर रही है यू नो है ना बहुत प्यार करता था वेट करता है हाँ। मम्मी के बेड पे ही खाना खाता है और रात को वहीं पे सोता है तो ही मिसेस मॉम मोस्ट वेरी मच ही मिसेस एंड जब भी राखी आती है उसको लगता है कि माँ आई है घर में लिपट जाता है राखी से तो यही है कि बस बहुत प्यार करते हैं मेरा जिमो मम्मी से बहुत प्यार करता है कहाँ है जी मैं ठीक हूँ थोड़ा सा पीछे रहेंगे क्योंकि आप मेरा थोड़ा कल भी आप मेरे फेस के अंदर घुस गए थे इतना बड़ा फेस दिख रहा था मत करिए ना थोड़ा सा पीछे रहिए थोड़ा सा पीछे रहिए मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ निकल गए मैं तब तक मैं एक बाइट दे दूँ आदिल के बारे में है ना जी एक सेकेंड चिल्लाने लगे कहाँ कोई पूछ रहा है हाँ क्या बोलना है मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ जल्दी बताओ क्या बोलना मैं भूल
नाम नहीं ले रही पता है, ठीक है मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही भाई, अच्छा बोल रही हूँ, जान ट्रस्ट मी, जान ट्रस्ट मी, जान ट्रस्ट मी, चलो माइक हटाना। तो मैं सबका बहुत ही स्वागत करती हूँ, सारी मीडिया का, और आज मेरे फेस पे फिर से खुशी की लहर आ गई है। देश की जनता को भी कहना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का बुला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आदिल को मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है, और मुझे लगता है कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं। मेरे लिए ज़िंदगी की खुशी यही है कि आज मेरी माँ की श्रद्धांजलि है। सब आने वाले हैं, सारे एक्टर स्टार सब लोग, अठावले साहब मंत्री सब लोग आने वाले हैं, और आदिल भी आने वाले हैं अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, यू नो, नहीं होगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे पता नहीं है नाजुक रिश्तों में कैसे क्या बोलना है, तो एक्चुअली मेरे सर पे बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा, एक प्रेशर था, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। मेरा भाई विकास सावंत भी आया है यहाँ, हम लोग मराठी बिग बॉस में थे साथ में, हाँ, मासूम भी मेरे भाई हम लोग सब आए हैं, ये नहीं थे बाजू लाइए ना मासूम भाई। तो मैं सबको यही खुशखबरी देना चाह रही हूँ, देश की जनता को, कि मेरा आदिल मेरे पास वापस आ गया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी अभी बहुत अच्छी होने वाली है, खुश हो ना? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी राशि, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ, इससे ज्यादा खुशी क्या है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भी प्रे करें कि इनका जो वैवाहिक जीवन है सुखी में हो, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आए, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष से ये गुजरी हैं। अभी अभी इनकी माता जी का देहांत हुआ है, मेरा फेस के बाद ये जो दुख को फेस कर रही हैं, सोच सोच के मेरा फेस भोपला हो गया है, बिल्कुल हालत बहुत खराब हो गई है उनकी। जी अब जैसे कि राखी ने कहा है कि सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें चल रही है, खुशियाँ आ चुकी है, सब कुछ भूल, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी लड़की को कोई पब्लिसिटी देना चाहिए। वो लड़कियां आती ही है पब्लिसिटी पाने के लिए उनकी जिंदगी में, आप समझ रहे हो, तो वो चाहती है कि वो लोग 8-8 साल से वो भी स्ट्रगल कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं एक पोस्ट करूं, एक वीडियो डालूं, ताकि वो पूरे हाईलाइट हो जाए। मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं मेरे आदिल को बदनाम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आदिल मेरा हस्बैंड है, मेरा है, और वो मेरा ही रहेगा, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा। बात कर खुल गया खुल, तो गाड़ी स्टार्ट की। अच्छा देख, ट्राई कर एक बार। राष्ट्रीय का है, चलो ना, चलो बाय 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 बच्चा, ध्यान रखना। ओए छोटू, कुछ भी चाहिए तो बोल ले, हां फोन कॉल हमें, हां चलो 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 सर, क्या है भागी थोड़ी, क्या है यार राजी जी, आप बोले 2 मिनट खाली रुको ना। ओके बाय राखी जी, टेक केयर, हम सब आपके साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आदिल आ गया, खुशी का मिठाई सबको खिलाऊंगी, मैं पार्टी दे रही है सबको, मैं पार्टी दूंगी। दुल्हा वापस आ गया मैं, हाँ राखी और आदिल के वजह से मैं आपको पार्टी दूंगी। हम 6 तारीख को पार्टी करते हैं, ठीक है? 6 तारीख राखी जी एक सवाल पूछूं, हाँ खुशी का कारण तो बताइए। खुशी का आदिल आ गया, मेरा आदिल मेरी जिंदगी में फिर से आ गया, सबको छोड़ के। क्या बात, हाँ राखी बीवी है 36 आएगी, 36 जाएगी, राखी बीवी है, राखी राखी है। मुझे मालूम है बीवी का पावर सबसे ज्यादा होता है। किसी को बॉयकॉट नहीं करना है, नहीं मुझे नहीं करना, कवर करना है क्या, कवर करना है क्या, कोई जरूरत नहीं, बाय, कोई जरूरत नहीं। हाँ आराम से, राखी जी कब एक साथ दिखेंगे आदिल और आप? वो ना, वो तो घर के अंदर ओके हो गया भाई।